भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अनदर मास्टर स्ट्रोक ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड डॉक्टर जयशंकर डिप्लोमेसी। ईरान इंडिया साइन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट। डॉक्टर जयशंकर जो है इस वक्त जो है वो ही इज इन ईरान, और ईरान में जो जो मेजर डिस्कशंस हो रही हैं उनमें एक डिस्कशन तो ये भी हो रही है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा और कोई एग्रीमेंट भी जो इस हवाले से साइन किया गया है। ईरान और भारत के संबंध आपको पता है बहुत ही पुराने हैं, सिविलाइजेशनल हैं, हिस्टोरिकल संबंध हैं, परंतु एक और पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार और उसको काफी सालों से डेवलप किया जा रहा है। चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफी अरसे से चल रही है और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का मिला है। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मींस दैट इज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। ऑप्शन हटाए तो चाबहार को डेवलप किया गया और भारत ने बहुत जल्दी उसको डेवलप किया। ये देखिए, ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो तालुकात होने चाहिए तब वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। तो इंडिया और ईरान के अपने भी बड़े मजबूत बायलैटरल तालुकात हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ये इस सेंस में है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, दैट्स सो सिंपल। ठीक है जी, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ है क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब पहुंचे हुए ईरान। दोस्तों, चाइना अपने जो फुटप्रिंट है वो हर देशों में किस माध्यम से फैलाता है, पोर्ट डेवलप करके। अगर हम बात करें श्रीलंका में तो हम्बनटोटा पोर्ट, कोलंबो पोर्ट, इसके बाद बात करें पाकिस्तान में तो ग्वादर पोर्ट, इसी तरीके से कई छोटे बड़े देशों में चाइना ने अपने पोर्ट डेवलप किए हैं। लेकिन दोस्तों, जो भारत ने पोर्ट डेवलप किया है बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है और उसी के सिलसिले में हमारे जयशंकर साहब भी गए हुए हैं ईरान। ईरान का चाबहार पोर्ट, उसको लेके बहुत ही मतलब आप लोग कह लो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट समझौता हुआ है। भारत फिर से उस पोर्ट पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने वाला है, निवेश करने वाला है, अपने हिसाब से डेवलप करने वाला है उस पोर्ट को। और भी बहुत भी महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और ईरान के बीच। भारत ईरान की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है, इसको देख के चाइना तो परेशान है क्योंकि दोस्तों जिस जगह पे ईरान एग्जिस्ट करता है वो बहुत ही क्रूशल पॉइंट है और वो जो चाबहार पोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशल पॉइंट है। भारत उसको आप कह लो नेवी कैपेबिलिटी के लिए यूज कर सकता है अगर भारत पे सडन अटैक होता है, तो इसको देख के कई देश जले हुए और भारत और ईरान की दोस्ती लगातार ऑन द टॉप जा रही है। और इस आपको पता है डॉक्टर जयशंकर जो है इस वक्त जो है वो ही इज इन ईरान, और ईरान में जो जो मेजर डिस्कशंस हो रही हैं उनमें एक डिस्कशन तो ये भी हो रही है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा और कोई एग्रीमेंट भी जिस हवाले से साइन किया गया है। लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट है फॉर रिकॉर्डिंग दिस चाबहार पोर्ट के हवाले से और कहा जा रहा है कि जो नया एग्रीमेंट किया है वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था जो कि जिस जो इंडिया के सिर्फ ऑपरेशंस को कवर करता था, जो उसका शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसको अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। टेक्निकली इंडिया और ईरान के अपने भी बड़े मजबूत बायलैटरल तालुकात हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ये इस सेंस में है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, दैट्स सो सिंपल। ठीक है जी, तो जब उनको एनर्जी चाहिए तो उन्होंने फिर इसको ले के ही चलना है, जो मर्जी हो जाए उनको, उन्होंने कारोबार करना ही करना है ईरान के साथ। और ये जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ है ये जो चाबहार पोर्ट के हवाले से, तो दैट टेल्स कि भाई इंडियंस बड़े इंटरेस्टेड हैं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसको हमने कामयाब बनाना है। और याद रखें ये उस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है जब अमेरिकन्स मुश्किल में है इस वक्त इस खत्ते में, बट इंडिया इज़ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कोई अमेरिका की सुनेंगे, इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है,
इंडिया को अपने जो खित्ते के अंदर वो जो ईरान तक एक्सेस चाहता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं चाहता, इंडिया वो एक कंफर्ट जोन ईरान के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर कंसर्न शो किए जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ये अक्सर कहता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया ईरान पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना तो पाकिस्तान कोई स्टेप लेता है इस हवाले से, ना ही हम कोई ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस कर पाए हैं, ना ईरान हमारे उस तरह के कोई कंसर्न्स एड्रेस कर पाया है, और वो जो लेवल है ट्रस्ट लेवल है वो अपनी जगह पे मिसट्रस्ट अपनी जगह पे मौजूद है। सो ये पता ये चलता है कि शायद डॉक्टर जयशंकर कोई मैसेज लेके गए हैं और चाबहार पोर्ट के हवाले से वो अपनी भी बात करेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट को भी वो जिसे वो कहते हैं ना वो वॉच करेंगे। एग्रीमेंट दोबारा उन्होंने एक साइन फिर कर लिया है और उनको इस चीज़ का पता है कि हमें लॉन्ग टर्म ईरान को देखना है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ वो जो एक लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड है ये उसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए ये सारा चाबहार को दोबारा रीडिजाइन किया जा रहा है इस एग्रीमेंट को। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर रहे हैं कि जिस वक्त हुतीस के हमले हो रहे हैं और यूके और अमेरिका ने हुतीस के खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर डाली हैं, एक ऐसे वक्त में इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी दो दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाबहार पोर्ट पर क्या एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये विजिट चाबहार पोर्ट से इस एग्रीमेंट से बढ़कर कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है, वो कैसे इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। देखिए डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया इंटरनेशनल मीडिया हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसमें आप ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफी अरसे से चल रही है और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहां पर ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं कि देखिए ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, या अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पोर्ट अब सिर्फ ईरान और इंडिया तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसके और कंट्रीज के साथ कैसे लिंकअप हो रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर जयशंकर अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, बिगेन माई एंगेजमेंट्स इन तेहरान बाय मीटिंग मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटेल्ड एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। उसके अलावा उन्होंने और जो व्यूज इसमें शेयर किए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो है सिलसिला जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे ये बात की। 2021 में जो है उन्होंने ये कहा था कि की रीजनल ट्रांजिट हब के तौर पर इसको देखा था, और कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में 2021 में हुई थी इसके ऊपर भी इस चाबहार पोर्ट के हवाले से बात की गई थी। और इसको जो है इंडिया और ईरान में ऐसे देखा जाता है, द पोर्ट इज ऑल्सो सीन एज ए की हब फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट। अब देखिए ये जो INSTC प्रोजेक्ट है ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग एक आप कह सकते हैं मल्टी मोड। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ईरान और भारत की दोस्ती से पूरी दुनिया किस तरीके से जली है। अब यहीं पे कुछ भारतीय लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि भाई हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो मुस्लिम के खिलाफ है, ठीक है। तो देख लो भाई ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट एक मुस्लिम देश, शायद 100% मुस्लिम देश हो या 90+ तो है ही, वहां पे उन्होंने सैन्य पोर्ट बनाने की इजाजत तक दे दी। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारी जो सरकार है वो मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। ये जो पॉलिटिकल फायदे के लिए एजेंडा बिल्ड किया जाता है और उस एजेंडे में हमारे मुस्लिम भाई हमारे हिंदू भाई के खिलाफ हो जाते हैं और देश में ही एक आपसी कलह का माहौल पनप जाता है। तो भाई एटलीस्ट देश के लिए तो ये मत करो। पाकिस्तान के खिलाफ हम इसलिए खिलाफ तो हम वैसे भी नहीं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ है क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस आतंक को पालता रहा है, इसलिए भारत की नीति पाकिस्तान के खिलाफ है बस। और ये बात हमें समझने की जरूरत है।
ये नहीं कि लोग जो है इसमें पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा के देश में एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दे। नहीं, हमें हमेशा समझना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार आतंकवाद के खिलाफ है। आज भारत के रिश्ते सबसे ज्यादा पता है किसके साथ अच्छे हैं? रशिया के बाद इराक, रशिया के बाद इजराइल के बाद, तो तीसरे नंबर पे एक मुस्लिम देश यूएई आता है, फिर ईरान आता है। तो मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत जबरदस्त है भाई। आज 24 घंटे में वीजा लग जा रहे हैं हज करने के लिए सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ले जाया गया रूल तोड़ के। तो भाई ये कहना गलत बात है कि भारत के रिश्ते मुस्लिम देशों के साथ खराब है। ठीक है, भारत और मुस्लिम देशों के रिश्ते देख के दुनिया जल रही है भाई। ठीक है, दुनिया जल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल फायदों के लिए भारत के हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लड़ा दो। पाकिस्तान से हमारी नफरत, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के बेस पे, और कोई बेस नहीं है। ठीक है, और नफरत वो ज्यादा करते हैं, हम तो सिर्फ आतंकवाद को काउंटर करते हैं। समझने की जरूरत है, देश में इससे दंगे भड़कते हैं, लोग हिंदू मुस्लिम करके भड़काने लगते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक।